नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, हरियाली अमावस्या, रविवार का दिन, पुष्य नक्षत्र, सब कुछ मिलजुल करके एक इतना बढ़िया सहयोग बनाते हैं कि जिसमें की गई तमाम क्रियाएं आपके लाइफ को बना देंगी। मैंने पुष्य नक्षत्र में काफी पहले भी काफी वीडियोस अपलोड कर दी है, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, तो इसमें यदि आप सफेद आंकड़े की जड़ लेकर के आते हैं, सूर्य मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके धारण कर लेते हैं, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपका दौड़ पड़ेगा। जो बेरोजगार है, नौकरी सामने चलकर आएगी, आपका व्यवसाय चल पड़ेगा। तो ये दिन बहुत बढ़िया है दोस्तों। आज के दिन यदि आप अपने घर में सुदर्शन का पौधा ले आते हैं, सुदर्शन के पौधे को लेकर के आए, ला करके अपने घर में इसे उत्तर दिशा में लगा दें, दोस्तों राजा जैसी जिंदगी जिएंगे, लोग आपके पीछे पागलों की तरह घूमेंगे, जहां भी आप पांव रखेंगे वहां आप लोगों का दिमाग पलट देंगे, आपके शब्दों में जबरदस्त ताकत आ जाएगी इस पौधे को घर में रखने मात्र से। जब आप किसी भी पौधे को लेकर के आते हैं और बड़े कोई किसी टारगेट से लाते हैं और फिर उसको लगाते हैं, तो उसे हमेशा उसकी पूजा पाठ करें और हमेशा उसे उचित मान सम्मान दें। दूसरा दोस्तों, जो बढ़िया सा आज मैं आपको उपाय बता दूं, रविवार का दिन है तो आज के दिन सूर्यदेव को आप इस उपाय से बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेंगे। इस दिन सूर्यदेव की यदि पूजा में आप इन चीजों को मिला देंगे, जो चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आपकी किस्मत चमक जाएगी, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, गुड़हल का फूल लाना है। गुड़हल का फूल आप कहीं पर भी, जहाँ पूजा पाठ की दुकानें हैं, मंदिर के बाहर बहुत आसानी से मिल जाता है। गुड़हल का फूल आपको रेड कलर का ही लाना है, क्योंकि गुड़हल का फूल व्हाइट कलर का भी आता है, क्रीम कलर का भी आता है, थोड़ा येलो इस भी आता है, आपको दूसरा कोई कलर नहीं लेना है, सिर्फ रेड कलर का ही लेना है। और उसमें भी यदि पंचमुखी गुड़हल का फूल मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। पुष्प को आप लेकर के आए कुमकुम से, उसके ऊपर लिख दे ओम सूर्याय नमः, ओम अरुणाय नमः, बस ये दो शब्द आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसे किसी खली में, पत्थर में रखकर अच्छे से कूट लें, कूट करके आप उसका रस निचोड़ लें और उस रस को आप सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं उसमें मिला दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें और तिल डाल दें। सूर्य देव के सामने आप घी का दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें और ये जल आप सूर्य देव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए आप सूर्य देव को ये गुड़हल के फूल वाला आप जल अर्पित करके देखें। दोस्तों, सूर्य देव इस उपाय से जबरदस्त रूप से प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बरसती है, दुनिया की उसके ऊपर कृपा अपने आप ही बरसने लग जाती है, सूरज की तरह वो चमकने लग जाता है, उसके शब्दों में बल आ जाता है। आज के दिन दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य ही करें। जो दीपक आप जला रहे हैं, कोशिश करें दीपक आप आटे के, गेहूं के आटे का बनाएं, गेहूं के आटे का दीपक बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। गेहूं खुद भी सूर्य देव से जुड़ा हुआ धान्य है, ठीक है। और यदि आप गेहूं के आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो जब आप जल वगैरह चढ़ा लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद उस दिए को आप लाल गाय को खिला दें। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा, करके देखें। बहुत बढ़िया दिन है, उपाय करते रहें, खुश रहें।